तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर टू करेंगे अपना। जैसे कि मैंने कल लेक्चर वन में आपको बताया था कि हम आज करेंगे अपने न्यूट्रिशन के मोड्स। क्या करेंगे? न्यूट्रिशन के मोड्स। तो चलो करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रिशन के मोड्स करने हैं हमने, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या करना है हमने? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, दो टाइप का न्यूट्रिशन का मोड होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, और बच्चों एक होता है हेटरोट्रॉपिक, ठीक है ना बच्चों? एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में तो क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है। प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, ठीक है। आज ना इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक के बारे में। फिर नेक्स्ट में हम जब ऑटोट्रॉपिक अपना पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, देन फिर हम हेटरोट्रॉपिक पे जाएंगे, वरना ऐसे मिक्स हो जाएगा। तो ऑटोट्रॉपिक हमें पता चला कि प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब हमें पता है कि अपना फूड कौन प्रिपेयर करता है? ग्रीन एल्गीस, ब्लू ग्रीन एल्गी कौन प्रिपेयर करता है? एक तो एग्जाम्पल होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, ठीक है ना। क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी का, दिख रहा है ना बच्चों आपको? एक तो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, एंड एक होता है ग्रीन प्लांट्स, जो सबको ही पता है ग्रीन प्लांट्स अपने फूड खुद ही बनाते हैं। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है तो ग्रीन प्लांट्स वाला, हमने फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, आके पढ़ेंगे ना हम फोटोसिंथेसिस होती क्या है, ठीक है। अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। चलो इतना नोट करो, देन फिर मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ कि ऑटोट्रॉपिक के बारे में ही, ठीक है, नोट करो। चलो ठीक है, तो चलो ऑटोट्रॉपिक के बारे में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मतलब खुद अपना फूड बनाने वाला, ऑटोट्रॉपिक खुद अपना फूड प्रिपेयर करने वाला, नाम से पता चल रहा है। तो इसका तो कोई है ही नहीं रट्टा लगाने वाला, ये तो आपको ऐसे ही याद होगा, ऑटो मतलब खुद, मतलब अपना खुद प्रिपेयर कर रहा है फूड, ठीक है। एक इक्वेशन आती है इसमें, क्या आती है? एक इक्वेशन आती है, अभी इस इक्वेशन का मतलब भी बताऊंगी मैं। ये इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो इसमें ग्रीन प्लांट्स है ना बेटा, वो क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं और बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, इनको शुगर्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कह देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो करते हैं, सबसे पहली बात तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और वो कैसे करते हैं अपना? कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं और बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये अभी हमने करा विदाउट बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, हमने आगे इसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना, तो उसमें इस इक्वेशन को पूरा बैलेंस करके लिखा होगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है याद करनी। एक तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है याद करनी है आपके लिए, ठीक है। अब हम प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में ना मेनली साइट ऑफ फूड, ठीक है, प्लांट में ना मेनली साइट ऑफ फूड कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लांट कैसे बनाता है फूड? सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता है भाई, हमें पता है सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट फूड बनाता है, और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम? फोटोसिंथेसिस। चलो अब फोटोसिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। अच्छा तो अब थोड़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। इतना तो हमने जान लिया, इसमें कुछ ज़्यादा था ना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी जान लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या। फोटोसिंथेसिस की सिंपल सी डेफिनेशन है, इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ आया? सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स अपना फूड बनाए उन्हें कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बस ठीक है, तो इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ना, कि मैं इसकी एक इक्वेशन बताऊंगी आपको जो बैलेंस्ड होके आएगी, ठीक है, वो बता रही हूँ। हमने पिछली इक्वेशन की थी, कार्बन डाइऑक्साइड ली इसने एंड हाइड्रोजन वाटर लिया, और क्या बनाया उससे सनलाइट की प्रेजेंस पे? C6H12O6+O2। अब हमें बैलेंस करना आना चाहिए ना। सबसे पहले हम बैलेंस कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे सी एक है, यहाँ पे सिक्स है, तो यहाँ पे हम सिक्स लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पे एच पे एच ट्वेल्व है, यहाँ पे ट्वेल्व है ना, यहाँ पे टू ऑलरेडी, तो यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ट्वेल्व हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे दिखा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो ये दोनों बैलेंस हो गए। अब सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, अब ओ गिन लो, दो ओ तीन बारह, बारह ओ यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है, छः यहाँ पे है, तो छः इसके तो यहाँ पूरे हो गए, दो और एक छः यहाँ लगा दो। अब दोनों साइड से हम देखेंगे तो बैलेंस है हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको याद करना है, ठीक है। इनके नीचे नाम लिख देती हूँ इनके मैं, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये है हाइड्रोजन, सॉरी ये है वाटर, हाइड्रोजन एच टू होता है, एंड इसका नाम हम देते हैं ग्लूकोज और शुगर, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल देते हैं इन्हें, ठीक है, एंड दिस इज वाज ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में, किसमें? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर का इसका काम था ना, वो हमने कर लिया कंप्लीट। आज हमने लेक्चर टू में क्या कंप्लीट कर लिया, अपने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया हमने, इसमें ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिया कैसे होता है, उसके बाद कर लिया कि ऑटोट्रॉपिक में कैसे बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस से भी बहुत डीपली जाकर हमें समझना पड़ेगा, तब जाके ये हमें पूरी प्रोसेस समझ आएगी। ये इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन और एक अनबैलेंस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए इसकी। एंड हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं, और बनाते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, शुगर, इनमें से कोई भी एक नाम दे सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो अपना ख़त्म हुआ है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर अपनी बात चलेगी पूरी, फोटोसिंथेसिस का पूरा पूरा का पूरा टॉपिक अंदर तक घुस के समझाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, और उससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सब के बारे में बताया। अभी तक हम ये सब कर चुके हैं, हम इसके एंड में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड इंटेक्स क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।